नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू वीडियो पे। करेंगे तो आज के हम बारे में बात करेंगे, बेसिक डाउट्स लेंगे आपके जो हर एक के एक क्वेश्चन उभर के आते हैं। जो बेसिक्स क्वेश्चन है जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेंगे आप 10 से 15 क्वेश्चन लेंगे। एक कैमरा लगा होना चाहिए कि नहीं, मैंडेटरी है कि नहीं। दूसरी बात आती है अपना डी फार्मेसी और बी फार्मेसी कौन कर, जिनकी इंग्लिश वीक है, हिंदी मीडियम से है, तो वो क्या कर सकते हैं इसको? तो भाई हाँ कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, जैसे सब आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, टाइटल से पता लग गया होगा कि किसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के हम बारे में बात करेंगे, बेसिक डाउट्स लेंगे आपके जो हर एक के एक क्वेश्चन उभर के आते हैं। अगर कोई मेडिकल स्टोर करने की सोच रहा है या कर चुका है या ऐसे कुछ फंडा आता है, तो उनके माइंड में जरूर कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन आता है। जो बेसिक्स क्वेश्चन है जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन लेंगे आप 10 से 15 क्वेश्चन लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए करते हैं अपना शुरू। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपना कैमरे की। कैमरा लगा होना चाहिए कि नहीं, मैंडेटरी है कि नहीं मेडिकल स्टोर में? तो नंबर वन पे आता है कैमरा। कैमरा मैंडेटरी कर दिया है अब गवर्नमेंट ने, और भाई फ़ायदे भी बहुत हैं। कई बार मेरे साथ भी बहुत ही इन्होंने बचाया ही है यार। कई बार लोग कहते हैं मैंने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, तो अपना साथ के साथ अपना कैमरे में चेक कर सकते हैं अपना, तो उसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कैमरे मैंडेटरी है नंबर वन। और दूसरी बात आती है अपना डी फार्मेसी और बी फार्मेसी कौन कर सकते हैं एक मेडिकल स्टोर को? भाई डी फार्मेसी बी फार्मेसी वाले दोनों ही कर सकते हैं अपना मेडिकल स्टोर, पर डी फार्मेसी वालों को अंडर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और आप एग्जिट एग्ज़ाम भी हो गया है तो एग्जिट एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा इसको क्लियर करने के लिए। और भाई जिनकी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिनकी इंग्लिश वीक है, हिंदी मीडियम से है, तो वो क्या कर सकते हैं इसको? तो भाई हाँ कर सकते हैं, इतनी कोई हार्ड वगैरह इंग्लिश नहीं है, इसमें फंडा नहीं है, बेसिक इंग्लिश आपको अपने आप आ ही जाएगी। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। सॉफ्टवेयर कौन सा सही रहेगा कि मेडिकल स्टोर की बिल्डिंग वगैरह के लिए? भाई देखो, और सॉफ्टवेयर का तो मुझे पता नहीं है, काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं, ईमार्क वगैरह आता है, बहुत आते हैं, पर मैं जो यूज़ करता हूँ मैं लोकल वेल सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ। वीडियो कम्प्लीट इसकी मैंने बना रखी है इसकी, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो कैसे यूज़ हो जाएगा और कितना परचेजिंग इसकी है। 3,500 कुछ 3,500 कुछ की परचेजिंग सॉफ्टवेयर होती है ईयरली पूरे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में बात करते हैं। तो लोकेशन कैसे देखनी चाहिए भाई? अब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग तो भाई लोकेशन गवर्नमेंट उन्हीं को ही पास करती है। जैसे एरिया निर्धारित कर दिया अपना, एरिया एक वो कर दिया कि इस एरिया के अंदर पर्टिकुलर इतनी मेडिकल स्टोर होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से कहीं एरिया कहीं क्योंकि फाइल इसी के हिसाब से रिजेक्ट हो चुकी है। एक भाई का आया था है मेरे कॉन्टैक्ट में, उसकी फाइल इसी की वजह से रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि जो एक वो पर्टिकुलर कर रखा है ना कि इतने एरिया में होने चाहिए अब यह रूल, तो उसके हिसाब से ही अपना देख लेना। ज़्यादा मेडिकल स्टोर आसपास ना हो वहाँ मत करना, थोड़ी पब्लिक वाली जगह में करना जहाँ लोगों को आने जाने ज़्यादा हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना और बताते हैं DI जो ड्राइविंग इंस्पेक्शन आता है अपना फाइल जमा करने के बाद, वो कितने टाइम तक आएगा अपना? भाई 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्शन हो जाती है फाइल सबमिट करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। फिर अपना पहले ही काम करवा के रख लेना फिर फाइल करना, पर मेन दिक्कत उनको आती है जिनकी किराए पर है ये शॉप, तो उन्हें मेन समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि फिर उनको किराया भी देना पड़ता ही है साथ ही साथ, और इंस्पेक्शन कई बार किसी के 2-2 महीने भी लग जाते हैं भाई, फाइल पेंडिंग पड़ी है उनकी किसी न किसी रीज़न से। और भाई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिसन्स कौन कौन सी रखें? भाई मेडिसन्स तो अपने एरिया के हिसाब से रखनी पड़ेंगी, बेसिक्स मेडिसन्स की लिस्ट मैंने बना रखी है 1 लाख के बजट के अंदर अंदर बना रखी है, तो अपना उसके हिसाब से आप देख सकते हो मेडिसन्स। बाकी अपने एरिया के हिसाब से सबके एरिया में अलग अलग मेडिसन्स चलती हैं, तो अपने एरिया के हिसाब से देख लेना मेडिसन्स। उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन, प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़े भाई? प्रिस्क्रिप्शन का तो ऐसा फंडा यार, गवर्नमेंट तो रूल कर रखा है कि डॉक्टर को पर्टिकुलर एंड प्रॉपर लिखना चाहिए कि ब्रांड नेम अगर लिख रहा है तो प्रॉपर लिखे, अगर नहीं भी ब्रांड लिख रहा है तो अपना साल्ट लिख सकता है, कंपोजिशन लिख सकता है कि इस साल्ट की मेडिसिन देना चाहिए, ताकि यार फिर कई बार ना गड़बड़ हो जाती है, कई बार 2 नाम की ना मेडिसिन तो डिजोक्सिन और डिजिटोक्सिन निकाल रहे, जैसे दोनों का अलग अलग रोल है, तो कई बार स्पेलिंग यार समझ आती नहीं इतनी खास, वो तो अंदाजे के हिसाब से हम दे सकते हैं देते हैं, क्योंकि पता होता है ये कौन सी डिजीज में कौन सी चलती है
डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो अपना राइटिंग का तो ऐसा हिसाब है, अगर आपको एक दो बार पर्ची आ चुकी है डॉक्टर की तो आप पढ़ सकते हो उसको सेम डॉक्टर की, वरना या तो उनके मेडिकल स्टोर से बात कर सकते हो, हॉस्पिटल में फ़ोन करके उनके फिर मेडिकल स्टोर का नंबर ले सकते हो और वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट करके अपना ऐसे ही कर सकते हो। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कुछ रीज़न में, पर कई बार क्या होता है हॉस्पिटल वाले फ़ोन नहीं उठाते या फॉरवर्ड नहीं करते, तो वो ऐसे में रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है, मेडिसिन लेके फ़ायदा नहीं है। तो आप उन्हें या तो बोल देना कि या तो वहाँ से किसी से बात कराएं, वरना ऐसे तो खा के फ़ायदा नहीं है मेडिसिन। और भाई एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे लाइसेंस हमने अप्लाई कर चुके हैं तो हम क्या साथ ही साथ अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं? भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन आएंगी वो डीएल नंबर पर रहेगी। डीएल नंबर तभी आएगा जब आपका ड्रग लाइसेंस वहाँ से रिलीज हो चुका होगा, उसी के बेस पर डीएल नंबर के बेस पर ही सारी मेडिसिन आएंगी आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइसेंस अप्लाई कर दिए और अपना दुकान खोल के बैठ जाओ, ऐसा कोई फंडा नहीं है। फ्रिज भी नेसेसरी कर दिया भाई अब, और प्रॉपर फिटिंग तो है ही है, फ्रिज नेसेसरी कर दी है, कैमरा भी नेसेसरी कर दिया है, और शेड्यूल H1 का रिकॉर्ड भी मैंडेटरी कर दिया है, शेड्यूल जी का भी, H1 H2 और NRX का तो है ही है रिकॉर्ड, बहुत सकता ही कर चुकी है अब मिसयूज होने के बाद इन मेडिसिन का, काफ़ी चल रही है कुछ है। तो अपना बेसिक से ये तो क्वेश्चन थे, 8-10 से 10 क्वेश्चन थे अपने ये बेसिक से। नेक्स्ट पार्ट आएगा, जल्दी ही आएगा, उसमें और क्वेश्चन के मैं डाउट लूँगा। अगर किसी को और किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो अपना कमेंट करके जरूर बता सकता है, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाई दूंगा, नेक्स्ट पार्ट अपना उसी पे होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।